हाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और बताऊंगा किसके बारे में, टिशू के बारे में। ठीक, तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा हमारे चैनल का, जिसपे मैंने इस वीडियो के थंबनेल में बताया है आपको कि मैं टिशू के बारे में बताऊंगा। और जैसा थंबनेल है वैसा ही वीडियो रहेगा, उसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके का फेक थंबनेल नहीं लगाया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे, टिशू के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने अभी फर्स्ट चैप्टर सेल पढ़ा था, उसके बाद में क्या आता है आपका, आता है टिशूज आता है। ठीक, क्या आएगा भाई, टिशूज आता है। ठीक, तो अभी आपने रिसेंटली क्या पढ़ा, सेल पढ़ा। तो सेल अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि कई सारे सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल मिल करके क्या बनाते हैं भाई, टिशू बनाते हैं। और कैसा ग्रुप ऑफ सेल होगा, उनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनका फंक्शन सेम हो और उनकी लोकेशन कह सकते हैं या फिर ओरिजिन जो है वो सेम। ठीक, तो बेसिकली ओरिजिन तो सभी टिशूज का एक ही जगह से होता है। अब हम लोग बात करेंगे टिशूज जो है वो। तो टिश्यूज आपने समझ ही लिया, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोन एज टिशू। ठीक, तो अब ये जो टिशू है इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे जब एक यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम की बात करेंगे, तो उसमें सारा का सारा प्रोसेस विद इन द सेल हो रहा है। जैसे कि अगर उसको एक्सक्रीशन करना है, अगर उसको न्यूट्रिशन लेना है, अगर उसको रेस्पिरेशन करना है, तो कहाँ होगा भाई, एक ही सेल में होगा, क्योंकि उसके अंदर कितनी सेल हैं, एक ही सेल है। लेकिन अगर हम आते हैं मल्टी सेलुलर पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे अगर आएंगे, तो अगर हमको, हम लोग क्या हैं भाई, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, हमको अगर रेस्पिरेशन करना है तो उसके लिए अलग आर्गन पाया गया, फिर कई आर्गनों ने मिला करके क्या बना दिया, एक आर्गन सिस्टम ही बना दिया, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम मिल करके एक पूरे बॉडी को बना देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझाना है आपको, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, हर टिशू को अलग स्पेसिफिक काम दे दिया गया कि आपको क्या करना है, जुबान को बोलना है, हाथ को कुछ करना है, आंख को देखना है, ठीक, स्टमक में खाना रहेगा, ओसोफेगस खाना ले जाएगा, दांत जो है उसको पीसेगा, ऐसे ही सबको अलग अलग काम दे दिया गया कि अच्छे से काम हो पाए। तो ये था डिवीजन ऑफ लेबर, थोड़ा समझ में आया होगा आपको कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर को समझने के लिए आप लोग बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम में जो आपका नर्व सेल होता, जो नर्वस सिस्टम का बना है वो न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक, न्यूरॉन जो है वो उसकी यूनिट है, इकाई है, जैसे सेल हम लोगों की यूनिट और इकाई है, वैसे ही न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की इकाई है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, एग्जॉन, एक स्ट्रक्चर देख लो, ये बहुत ही नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, मतलब ये एकदम करेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक, तो ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं आपके, क्या कह सकते हो, ये डेंड्राइट्स हैं, उसके बाद एग्जान है। तो डेंड्राइट्स का काम है भाई मैसेजेस को रिसीव करने का काम, मैसेजेस को कौन करेगा भाई, ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, और एग्जान क्या करेगा भाई, कन्वे करेगा, मतलब ले जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर आपको दिख रहा होगा कि मैसेज को रिसीव कोई कर रहा है, कन्वे कोई कर रहा है। ठीक, तो ये था डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो है हम लोग समझेंगे थोड़ा एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएशन। तो एनिमल और प्लांट सेल में क्या है, थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। प्लांट सेल बेसिकली डेड होते हैं, उसमें से कुछ सेल जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्लांट टिशू के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो प्लांट टिशू को दो तरीके से बांट दिया जाता है, कैसा भाई, मेरिस्टमेटिक, पहला है मेरिस्टमेटिक, दूसरा आपका हो जाता है
परमानेंट। इसको जानने से पहले आपको मैं एक वर्ड बताना भूल गया था कि जो टिश्यू है इसकी खोज बाइकैट नामक साइंटिस्ट ने 1792 में किया था। ईयर थोड़ा देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। और जो टिश्यू की स्टडी हम लोग एक ब्रांच में करते हैं उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग टिश्यू के बारे में ही पढ़ते हैं। तो बाइकैट को हिस्टोलॉजी का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मार्सेलो मैल पीघी, ठीक, मार्सेलो मैल पीघी, ठीक। इनको क्या कहा जाता है भाई, मार्सेलो मैल पीघी को, PHIGI, मार्सेलो मैल पीघी को फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो हिस्टोलॉजी वर्ड को, सॉरी, टिश्यू वर्ड को किसने खोजा, बाइकैट ने 1792 में। टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी में की जाती है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइकैट, मार्सेलो मैल पीघी फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। ये थोड़ा हिस्ट्री आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं क्या भाई, क्या समझने के लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होता है भाई, मेरिस्टमैटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की और नए सेल्स को बनाने की कैपेसिटी होती है, ठीक। इसको भी हम लोग थोड़ा तीन तरीके से बांटते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू आर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, एपेक्स रीजन पे पाया जाएगा। एपेक्स का मतलब होता है टॉप रीजन पे पाया जाएगा, किसके, रूट एंड सूट, ठीक, रूट और सूट के टॉप रीजन पे पाया जाएगा। तो ये क्या बढ़ाएगा भाई, लॉन्ग लॉन्ग करेगा, इलांगेशन करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा। फिर जो लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है वो लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है वो लेटरल रीजन पे पाया जाएगा, ऐसे बीच में पाया जाएगा, ठीक, ये वृत्त को बढ़ाने का काम करेगा। इंटरकैलरी जो होता है वो बिटवीन द नोड पाया जाता है। ये जो लेटरल लेटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है वो बार्क के नीचे पाया जाता है यहाँ पे, ठीक, लेटरल। और ये एक होता है नोड और ये है दूसरा नोड, इन दोनों के बीच में कौन सा मिलेगा, इंटरकैलरी मिलेगा, इंटर नोड पे मिलेगा, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो ये भी थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर आते हैं परमानेंट वाले पे। परमानेंट वाला जो होता है आपका, बेसिकली ये मैच्योर होता है। कैसा है, ये मैच्योर है। मैच्योर का मतलब क्या है, जब मेरिस्टमैटिक वाला डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो देता है तो वो परमानेंट में चेंज हो जाता है। मीन्स इनके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं है। ये बेसिकली दो तरीके के हैं, सिंपल और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले में तीन तरीका आता है। सिंपल का मतलब ये एक ही तरीके के सेल से मिलकर के बने हैं और ये कई सारे तरीके के सेल से मिलकर के बने हैं। तो पहला आता है आपका पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक। एक एक के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको पता ही है। तो जाइलम के पास क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक, जाइलम के पास जाइलम वेसल होगा और क्या होंगे, ट्रैकेट्स होंगी। तो इसके पास क्या है, जाइलम वेसल और क्या है भाई, ट्रैकेट्स है। फ्लोएम के पास क्या होता है, कंपेनियन सेल और दूसरा होता है सीव ट्यूब, ठीक। तो ये था कुछ जो है प्लांट के टिश्यू के बारे में। अब जो है आगे से जो आपको वीडियो मिलेगा वो परमानेंट वाले का, एक एक का सिंपल का बनाएंगे। पहले आपको पढ़ाएंगे पैरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स पे। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी बताइएगा कि यहाँ हमारे एजुकेटेड श्रावस्ती चैनल पे जाएं। क्लास 9th 10th का बायो का पूरा सिलेबस इस चैनल पे दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।